बिल्लू बिल्लू चला चल 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 शाबाश चला। अभी ने दोस्तों मैं आया हूँ बिल्लो को वॉक करवाने सुबह की, तो चलो अब ओए इसके पाँव में कांटा लगे इधर ओए 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 रुक जाना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। ये दोस्तों जो हमारी मुर्गी है ना, इसने यार दो अंडे दिए, दोनों के दोनों टूट गए क्योंकि नीचे जगह थी सख्त। जब से मैंने वो जगह बनाई है ना उस जगह पे, अब इसने एक अंडा भी नहीं दिया, पता नहीं क्यों इस तरह कर रही है यार। काफ़ी टाइम से मैंने इसे बंद किया हुआ है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। और इधर बिल्लो आके सुकून से बैठ गई, इसे मैंने खाना डाल दिया था, ये खा चुकी है। और अभी देखते हैं कि हमारी मुर्गी जो अंडों पर बैठी हुई है ना, उसकी क्या कंडीशन है। तो ये देखें माशाल्लाह भाई, अंडों को इनक्यूबेट कर रही है, अच्छी बात है अच्छी। बस थोड़े से दिन रह गए फिर तुम उठ जाओगी। दिन को इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि ये बेचारी ना यार अंडों से खड़ी हो जाती है। मुझे तो डर लगता है कि यार बच्चे निकालेगी कि नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर निकालेगी। और हमारे रैबिट्स मियाँ क्या कर रहे हैं। हाँ किधर है बबली, बबली 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 किधर उसकी यार, बबली किधर है। दोस्तों हमारी जो बबली है ना वो मुझे नहीं नज़र आ रही, तो किधर से देखें यार बबली किधर है। ये आ गई, ये आ गई बबली, ये आ गई। तो चलो यार तुम थोड़ा सा बाहर घूम फिर लो, आ जाओ चलो आ जाओ आ जाओ। ओए सारे अंदर भाग गए यार, तुम भी आ जाओ आ जाओ चारों आ जाओ। आपने दोस्तों ओए न कर। और इधर ना दोस्तों हमारा टर्की मेल भी मुर्गियों के साथ बंद है, तो चलो यार आ जा टर्की आ जाओ। ये ना यार अंडे ना तोड़ दे इनके, इधर भी अभी एक अंडा भी नहीं होता। चल आ जा टर्की आ जा बाहर आ जा। वो अभी देखना दोस्तों बाहर आ जाएगा, इन्हें निकाल दिया मैं इनका सब का ना दाना पानी लेके आता हूँ जल्दी से। आ गया डॉन, चेक करो भाई एंट्री इसकी, चेक करो कैसे आ रहा है ये देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो भाई चलो चलो चलो। ये मुझे इधर रखना ना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो देसी फैमिली है ना वो आ जाती है नीचे, इस वजह से मसला होता है। और दाना पानी भाई इधर ही पड़ा हुआ है लाइन में, पानी की बाल्टी भी आ गई। ये आ गई भाई, पहले इसे ऊपर लेके जाते हैं, ये इसे इधर रखते हैं और अब लेके आते हैं दाना। हाय 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 हाय, खरगोशों का चारा, तू भी इधर जा इधर जा। अब ये सालन कुछ बचा हुआ पड़ा हुआ है, ये देसी फैमिली को भी डालते हैं। इधर दोस्तों मैंने ना सब परिंदों को दाना पानी दे दिया, और आज ने एक काम करना है, वो काम ये है कि जो मेरे पास रेसर कबूतर थे ना उन्होंने माशाल्लाह से बच्चा निकाल लिया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उस बच्चे के साथ क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ। यार वो बच्चा ना मेरा दिल कर रहा है कि हम खुद टेम करें उसे अपने साथ, क्योंकि वो बहुत प्यारा होगा, बड़ा भी होगा, उसका माँ बाप बहुत प्यारा है। तो ये है दोस्तों इस पेयर के, इन्होंने पिछली वीडियो किसी में मैंने आपको दिखाया होगा कि इन्होंने अंडा दिया हुआ था, फिर मैं गांव चला गया। तो माशाल्लाह से अभी इस पेयर का ये बेबी आ चुका है, और ये माशाल्लाह ना अभी से देखें कितना बड़ा और सारा कलर इसका कितना प्यारा है। मेरा दिल कर रहा है यार इसको टेम करते हैं अपने साथ। ये वाला बच्चा दोस्तों मैं बाहर ले आया हूँ, और अभी आप लोगों ने बताना है कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो इस टोकरी में मैं इसकी जगह बनाने लगा हूँ जहाँ ये बैठेगा। तो ये हमारे पास हैं जी नारियल के छिलके। तो ये दोस्तों मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ये वाली जगह बना के इसे इधर बिठा दिया, और अब ये माशाल्लाह से इजी फील करेगा। अभी ना दोस्तों मैंने सोचा है कि हमारा जो बच्चा है वो उस टोकरी के अंदर है, उस टोकरी को ना इधर किसी कील के ऊपर लटका देते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक धागा लिया है, इससे बांधते हैं, बांध के इसे ऐसे लटका देंगे, जब हम पास से भी गुजरेंगे ये हमें देखेगा और फिर ये हमारे साथ।
देखिए दोस्तों ना, हमारे मिट्टू ने अंदर वाली जगह छोड़ दिया है क्योंकि उधर गर्मी आ गई है ना, तो अब पूरा दिन ना ये इधर बैठा रहता है रिलैक्स होके भाई, बातें करता रहता है, खुद ब खुद लगा रहता है। हाँ सुना भाई, क्या हाल है? ठीक है वाल है? ठीक है। हाँ दोस्तों, अभी ना ऐसे हुआ है कि इधर से ये टोकरी नीचे गिरी है, इस तरह लगी है यार। कबूतर के बच्चे को पता नहीं क्या हुआ इसके, देखें मुँह में से ब्लड भी आया, ये देखें ये वाला, और यार ये एक्सपायर हो गया, पता नहीं इससे क्या हो गया। बस इधर से जैसे ऊपर से गिरा नीचे, नीचे से गिर के इधर आया है, और यार एक्सपायर हो गया। अभी बिल्कुल ठीक था, अल्लाह जाने दोस्तों ना यार, ऊपर से गिरने की वजह से ना इसके कुछ ऐसा सा खौफ आया ना, जिसकी वजह से यार ये बच्चा एक्सपायर हो गया, बच नहीं सका। इसके मुँह में से ब्लड आया, मैंने इसे पानी भी दिया ताकि यार इसे थोड़ी सी तसल्ली हो, लेकिन यार इसने एक ही सांस लिया टोटल और मर गया। बस ऊपर से जैसे ही गिरे, मैं अंदर से बाहर आया हूँ देखने के लिए कि क्या गिरा है। मैं समझा पहले ऊपर छत से दरवाज़ा गिर गया, उसे देखने गया हूँ, वो नहीं गिरा, लेकिन यार ये वाला जो बच्चा था ना, ये गिरा हुआ था। वापस आके देखा इधर से बेचारा बाहर निकला, और ये देखो अभी मैंने अभी सिर्फ एक मिनट पहले ना, अभी मैं इसे दाने खिला रहा था, दाने खिला जैसे ही अंदर गया हूँ ना, ये इसने थोड़ी सी को मूवमेंट वगैरह की है, तो टोकरी ऐसे नीचे आई है, ऐसे आती गई है, इसका दिल फट गया कि क्या हुआ यार। इसके मुंह में से ब्लड भी आया था, ये देखें। यार कबूतरों, तुम लोगों का बच्चा एक्सपायर हो गया यार। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी मज़ेदार वीडियो। तो नहीं यार, पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन गुजर रहा था, लेकिन अचानक ही से यार, अचानक ही यार बच्चा गिरा और उसकी डेथ हो गई। तो मिलते हैं कल, अभी के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।